नमस्कार, स्वदेश खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रगति वाजपेयी। सबसे पहले बात करते हैं मार्केट की। छह कारोबारी सत्रों में गिरावट के बाद हफ्ते के पहले कारोबारी दिन आज बाजार में इस पर ब्रेक लगता दिखाई दिया। उतार चढ़ाव के बाद निफ्टी 15,800 के अंकों के पार बंद हुआ। सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में भी तेजी देखी गई। दिन भर क्या रहा बाजार में, कैसी रही हलचल, चलिए जानते हमारी सहयोगी मानसी दवे से। बिल्कुल, तो काफ़ी डिसेंट स्टार्ट कह सकते हैं नए हफ्ते का होता हुआ दिखा। और जिस तरह से पिछले पूरे हफ्ते बाजार ने जो चैलेंजिंग टाइम्स देखे थे, उसके बाद आज का कमबैक बिल्कुल काफ़ी अच्छा और काफ़ी डिसेंट कहा जाएगा। दिन भर बाजार ने अच्छी तेज़ी पकड़ी और उसी तेज़ी के साथ कायम भी रहा। ऐसा नहीं कह सकते कि आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली, लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी ने अपने लेवल्स जो हैं उसे इंटैक्ट ज़रूर रखा। ऐसे में सेक्टर स्पेसिफिक और अगर स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ बेस्ड फ्लोज की बात करें तो सबसे ज़्यादा सीमेंट स्पेस आज फोकस में रहा, क्योंकि होलसेल अडानी की डील की खबरें जो आती हुई दिखी, कल देर शाम ये खबर आती हुई दिखी और उसके ठीक बाद हमने देखा कि सीमेंट स्पेस में लगातार फोकस देखने को मिला। एसीसी अंबुजा इसी खबर के तर्ज पर और इसके अलावा तमाम सीमेंट स्पेस भी आज के सत्र में फोकस में जरूर नजर आए। इसके बाद ऑटोमोबाइल स्पेस भी फोकस में रहे, क्योंकि केपेक्स कारोबार विस्तार के प्लान्स जो मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स के आते हुए दिखे ओवर द वीकेंड, वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव थे। काफ़ी बड़े प्लान्स हैं कारोबार विस्तार को लेकर और इसी के चलते ऑटोमोबाइल स्पेस में भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ अच्छी बढ़त देखने को मिली। अगर निफ्टी के तेज़ी वाले स्टॉक्स की बात करेंगे, आयशर मोटर्स, अपोलो, एनटीपीसी, यूपीएल जैसे स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी के साथ ट्रेड हमने देखे। वहीं श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक, एशियन पेंट्स जैसे कुछ स्टॉक्स थे जो कि परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। ऑफकोर्स सीमेंट स्पेस फोकस में था, लेकिन जो डील की खबर आती हुई दिखी उसका एक प्रेशर भी था जो कि प्योर कंपनीज पर पड़ता हुआ जरूर देखने को मिला। मिड कैप में गेनिंग मोमेंटम कहाँ देखा हमने, आइडिया, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, एस्कॉर्ट्स, एचएल, आरबीएल बैंक, दानी पावर जैसे स्टॉक्स में आज अच्छी तेजी के बीच ट्रेड्स नजर आए, लेकिन बिकवाली का दबाव भी मिड कैप स्पेस में देखने को मिला। अच्छी बात यह है कि जब क्लोजिंग हम देख रहे थे मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स की, दिन के उच्चतम स्तरों पर ये क्लोज होते हुए दिख रहे थे। तो क्लियरली मिड कैप स्मॉल कैप में स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स काफी सारे थे, लेकिन एबी कैपिटल, निप्पॉन लाइफ, डॉक्टर लाल, एलएनटी टेक्नोलॉजीज जैसे स्टॉक्स बिकवाली भी झेल रहे थे, तो इन स्टॉक्स पर भी नजर रखनी होगी। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को अगर देखेंगे, सिर्फ तीन स्पेसेस को छोड़ दीजिए, एफएमसीजी, आईटी और फार्मा, वहां से गिरावट हावी होती हुई दिख रही थी, लेकिन इसके अलावा तमाम सेक्टर, तमाम पॉकेट में अच्छी तेजी के बीच ही ट्रेड्स नजर आ रहे थे, चाहे फिर वो ऑटोमोबाइल स्पेस हो, फाइनेंस हो, रियल एस्टेट सेक्टर हो, सरकारी बैंक क्षेत्र, निजी बैंक क्षेत्र या फिर एनर्जी स्पेस, हर तरफ अच्छी तेजी के बीच कामकाज। तो दिन भर बाजार में अच्छे अपमूव्स के साथ एक्शन देखने को मिला। स्टॉक स्पेसिफिक काफी सारे एक्शन हमने देखे, न्यूज फ्लोज भी काफी सारे थे और इसी के चलते जब क्लोजिंग हुई निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप और स्मॉल कैप की हरे निशान के साथ ही ट्रेड्स क्लोज होते हुए नजर आए। थैंक यू मानसी, ये सारी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। वहीं एस लैंसडाउन इन्वेस्टमेंट्स के विक्रम कोटक का कहना है कि भारतीय बाजार के फंडामेंटल्स मजबूत हैं, साथ ही वैल्यू स्टॉक्स में निवेश के बेहतर मौके हैं, निवेशकों को प्राइवेट बैंक्स और सीमेंट सेक्टर में दांव लगाना चाहिए। यू नो मार्केट हैज बीन करेक्टिंग फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, ऑलमोस्ट 7-8 मंथ्स, एंड धीरे धीरे करके वैल्यूएशन काफी अच्छे होते जा रहे हैं। और अगर आप देखें तो वैल्यू साइड पे काफी वैल्यू स्टॉक पे काफी वैल्यू इमर्ज हो रही है, काफी अपॉर्चुनिटी आ रही है। तो मेरे को लग रहा है कि जो ज्यादा जो वरी था मार्केट के लिए वो थोड़ा थोड़ा रिसीड होते जा रहा है। अभी एक ही जो बड़ा प्रॉब्लम जो अपने सामने है एफआई सेलिंग का, अभी दिस इज अ पार्ट ऑफ द पार्सल ऑफ द मार्केट बिकॉज ग्लोबल सेल ऑफ के अंदर इंडिया भी आ जाता है, जिसकी वजह से वी आर सीइंग द एफआई इज अ कंटीन्यूअसली सेलर इन इंडिया। बट ऑन द अदर साइड आई थिंक इंडियन फंडामेंटल्स आर बेटर, दे आर इंप्रूविंग एंड देयर आर वेरी फ्यू प्लेसेस इन द वर्ल्ड टुडे टू इन्वेस्ट into the stock market. So India will be a biggest opportunity for any foreigners or local investors in the world over the next 2 to 3 years. So short term, clearly things cannot be predicted, but ek clear hai ke jo inflation ki jo zyada worry thi wo recede ho rahi hai. Central bankers normally late react karte hain, so we know they react on a data. That reaction has been very strong, the commentary has been very strong, which will also take away a lot of money from the, you know, the, I can say the quick money from the metal sector or any other sector. So that will be a big opportunity in my view for, you know, inflation also to kind of short, in short term it will top out. So acha lag raha hai, I think value stocks mein kafi, you know, opportunity lag rahi hai, kafi attractive lag raha hai versus growth stocks. बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ संजीव चड्ढा ने हमसे खास बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने कहा कि रिटेल सेगमेंट में सबसे ज्यादा मौके हैं। उनके मुताबिक आगे एनपीए में लगातार कमी आने की संभावना है। रिटेल में जो है सबसे ज्यादा हमें अपॉर्चुनिटीज नजर आई हैं। इस साल ऑर्गेनिक रिटेल ग्रोथ जो है लगभग 17% थी, उसके अंदर कुछ जो है सेगमेंट उसमें इससे भी अधिक थी,
कार लोन्स हमारे लगभग 20% YOY बढ़े हैं और हमारा जो पर्सनल लोन पोर्टफोलियो है वो लगभग दुगना हो गया है, करीब 5,000 करोड़ से 10,000 करोड़ हो गया। अगर आप चैलेंजेस की बात करेंगे तो पिछले साल चैलेंज लोन करने में नहीं था, परंतु मार्जिन्स में कॉर्पोरेट में अवश्य चैलेंज था क्योंकि काफ़ी लिक्विडिटी थी और जो प्राइसिंग हमें मिल रही थी वो रिस्क के हिसाब से हमें लग रहा था उसके अनुपात में नहीं है। परंतु इस वर्ष अब जबकि इंटरेस्ट रेट नॉर्मलाइज हो रहे हैं, मेरे विचार में कॉर्पोरेट में दोनों चीज़ संभव होंगी कि हम अपना पोर्टफोलियो भी ग्रो कर पाएँ और साथ में मार्जिन भी हमारे ठीक हों। इसी प्रकार से अगर हम MSME को देखें, आपने ठीक फरमाया कि MSME भी अच्छा कर रहा है, परंतु अगर हम कोविड का इम्पैक्ट देखें तो मेरे विचार में जो लार्ज कॉर्पोरेट है वो तो उसे उभर गया है और उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जो है अभी भी MSME में है। तो हमें MSME पोर्टफोलियो को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा ताकि इसमें अपने जो बोरोज को सपोर्ट करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि हम MSME में जैसे जैसे कि अर्थव्यवस्था का रूपांतर हो रहा है, MSME बिजनेसेस जैसे बदल रहे हैं, उसके साथ साथ कैसे कैसे हमारा पोर्टफोलियो बदले। तो MSME में एक हिसाब से, मेरे हिसाब से हमें अपने आप को री इन्वेंट करने की आवश्यकता है। SBI के Q4 के नतीजे मिले जुले रहे, मुनाफा अनुमान से कम रहा लेकिन एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ। SBI के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने हमसे खास बातचीत की और इस बातचीत में उन्होंने एसेट क्वालिटी को बेहतर बनाने की बात कही है। हम कोई भी अगर स्ट्रेस देखते हैं तो उसको समय से पहले उसके लिए पूरा प्रोविज़न कर देते हैं जिससे कि हमारी बैलेंस शीट किसी भी फ्यूचर शॉक से इंसुलेटेड रहे। ये हमारी एक फिलॉसफी है जिसको हम प्रैक्टिस कर रहे हैं पिछले गत वर्षों से और यही एक कारण है कि आपको जो एसेट क्वालिटी एकदम से बरकरार दिखाई दे रही है, उसका मेन कारण यही है। बाकी रिटेल में जो है अंडरराइटिंग में हमारा जो प्रोसेस है वो काफ़ी स्ट्रांग है। सिमिलरली कॉर्पोरेट का अंडरराइटिंग में भी हमने काफ़ी प्रोसेसेस में इम्प्रूवमेंट किए हैं, उसके चलते हमारी बुक जो है काफ़ी अच्छी बुक बिल्डअप हो रही है और अगर कहीं कोई स्ट्रेस दिखाई भी देता है तो उसके लिए हम टाइमली प्रोविज़न कर देते हैं जो कि जो है बैंक के हित में है, बैंक की बैलेंस शीट के हित में है, बैंक के सभी स्टेक होल्डर्स के हित में है। ACC अंबुजा डील में अडानी के रेस में आगे होने की बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब इस डील पर नयनतारा एक और एक्सक्लूसिव खबर लेकर आए हैं। नयनतारा, क्या है नया डेवलप, हमसे बताएं। ईटी नास प्रदेश ने पहले आप सबको बताया था कि अदानी ग्रुप जीत गया है ACC और अंबुजा, वो था कल शाम को। उसके बाद हम सब ने प्रेस रिलीज भी पढ़ ली है, आपने देखा है कि स्टॉक्स में भी क्या रिएक्शन हुई है। आज हम आपको बताएंगे कि डील क्लोजर के बाद क्या हो सकता है, मर्जर। हम कितने सालों से सुन रहे हैं कि ACC और अंबुजा का मर्जर होगा लेकिन वो हुआ नहीं था, परंतु अब हमको पता लगा जा रहा है कि जब अदानी ग्रुप का डील खत्म हो जाएगा, ओपन ऑफर खत्म हो जाएगा, उसके बाद अदानी ग्रुप दोनों कंपनीज को मर्ज करेंगे। उनको ये नहीं लगता कि कोई सेंस है टू लिस्टेड कंपनीज के होने के लिए। वैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रोथ नहीं होगी, कॉस्ट सेविंग कैसे होगी और सिनर्जीज कैसे बढ़ेंगी, तो उसके बाद मर्जर के दौरान काम करना का शुरुआत हो सकेगा। हम सब जानते हैं कि ACC और अंबुजा ने पहले भी मर्ज करने की कोशिश की है 2017 में, तो उन्होंने एक 3-member कमेटी को भी बनाई थी मर्जर के लिए, वो हुआ नहीं। सबसे बड़ा रीज़न था रेगुलेटरी चैलेंजेस, पर वो रेगुलेटरी चैलेंज अब नहीं रहा है और मैं बताती हूँ क्यों। जो सबसे बड़ा रेगुलेटरी चैलेंज था वो ये था कि जब लाइमस्टोन माइन को ट्रांसफ़र किया जाता तो बहुत ही बड़ी लॉयल्टी पे करनी पड़ती। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2021 में कुछ महीनों पहले ही एक नया माइंस और मिनरल एक्ट को इनैक्ट किया था। उस एक्ट में अगर ग्रुप कंपनीज के बीच में माइंस का ट्रांसफर होता है तो हाई रॉयल्टी पेमेंट नहीं देनी होती है। तो ओपन ऑफर के बाद दोनों ACC और अंबुजा अदानी ग्रुप की ग्रुप कंपनीज होंगी, तो ये सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो हट जाएगा। हमने कुछ लोगों से बात की है, एनालिस्ट कम्युनिटी से बात की है, और वो सब कह रहे हैं कि अगर ACC और अंबुजा का मर्जर होगा जो कंबाइंड एबिटडा होगा वो 6-8% हायर हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कॉस्ट सेविंग सिनर्जीज सब सेंस लगता है करने के लिए। हमने दानी ग्रुप को एक कमेंट मांगा था, उन्होंने भेजा नहीं है। देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी LIC के शेयर्स की लिस्टिंग कल होगी। लिस्टिंग के बाद रिटेल निवेशकों को क्या करना चाहिए, ईटी नाउ स्वदेश पर इस बात की अब स्पेशल कवरेज जारी रहेगी। IPO की लिस्टिंग पर ज्यादा डिटेल्स के साथ हमारे जुड़ रहे सहयोगी शरद दुबे। देश के सबसे बड़े IPO LIC की जो है कल लिस्टिंग होने वाली है।
और LIC का ओवरऑल सब्सक्रिप्शन के आंकड़े की बात करें तो लगभग 3 गुना हुआ है, लेकिन लिस्टिंग जो है एक्सपेक्टेड है कि थोड़ी सी डिस्काउंट में आए, और इसके इंपॉर्टेंट रीजंस है मार्केट्स का कि सबसे पहला है कि राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स देखने मिली है, इसके अलावा COVID-19 की जो लॉकडाउन चीन में हुई है उसके कारण आपके ग्लोबल मार्केट्स में दबाव देखने मिला है, एंड ऑफकोर्स डोमेस्टिक मार्केट्स में भी जो है सेल ऑफ देखी गई है। अगर ओवरऑल सब्सक्रिप्शन के आंकड़ों की बात करें तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन लगभग 3 गुना सब्सक्राइब किए हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स भी 2 गुना हुए हैं, और इम्प्लॉइज का ऑलमोस्ट 4.4 टाइम्स पे है। अगर फाइनल प्राइस पे बात करें निवेशकों, तो अलग अलग कैटेगरी में अलग प्राइसेस पे किए गए हैं। इंपॉर्टेंट प्राइस है कि जो अपर बैंड जो लेवल है IPO का, वो HNI के लिए है 949 रुपीज पर शेयर पे, लेकिन 45 रुपये के डिस्काउंट भी 2 कैटेगरीज को आए हैं, एक है पहला रिटेल का, दूसरा है नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स का, और इसके अलावा जो है पॉलिसी होल्डर्स को 60 रुपये का डिस्काउंट रहा है और उनका ऑलमोस्ट 899 रुपीज़ पर शेयर जो है एक्विजिशन रहा है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात है कि जो सबसे बड़े IPOs जो खुले हैं साइज़ के हिसाब से, उनके कैसी परफॉर्मेंस रही है, अगर आप देखेंगे शॉर्ट टर्म बेसिस पे, 1 महीने के ले लीजिए, आप 3 महीने के ले लीजिए, 6 महीने के ले लीजिए, तो वहाँ पे देखते हैं कि लगभग 5 जो सबसे बड़े IPOs आए हैं उसमें से 4ों में जो है एक नेगेटिव जो है रिएक्शन देखने मिला है, सिवाय कोल इंडिया के, जहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 11%, 6%, 28% का जो है एक ग्रोथ देखने मिला जब उनकी लिस्टिंग आई थी। और इसके अलावा SBI कार्ड्स भी है इस सारे लिस्ट में, जहाँ पे 6 मंथ की जो उनकी गेंस है लिस्टिंग से, वो लगभग 30% आया है। देश के अब तक के सबसे बड़े IPO में निवेशकों के लिए सबसे बड़ा पल आने वाला है। LIC के शेयर्स की मंगलवार को लिस्टिंग होनी है। इस IPO के जरिए कई लोगों ने पहली बार शेयर बाजार में किस्मत आजमाई है। अब उन्हें इस बात का इंतजार है कि लिस्टिंग पर उन्हें फायदा होता है या नुकसान। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी, देश का सबसे बड़ा IPO दलाल स्ट्रीट पर उतर चुका है। इतना ऐतिहासिक इशू कि ये 6 दिनों तक खुला था। जिस दिन बाजार बंद रहते हैं उस दिन भी निवेशकों के पास बिड करने का मौका मिला। सरकार और इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की महीनों की मेहनत रिटेल निवेशकों के लिए कितना फायदा या नुकसान कराएगी, ये अब पता चलेगा। वैल्यूएशन घटाने से लेकर सरकार के शुरुआती हिस्सा बिक्री प्लान में कटौती के बावजूद 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ये IPO लगभग 3 गुना सब्सक्राइब हुआ। एक नजर IPO को मिले बेहतरीन रिस्पॉन्स पर डाल लेते हैं। इशू में QIB का हिस्सा 2.83 गुना भरा था, जबकि नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स का हिस्सा करीब करीब 3 गुना भरा हुआ था। रिटेल निवेशकों से भी अच्छा रिस्पांस मिला और ये लगभग 2 गुना भरा था। कर्मचारियों और पॉलिसी होल्डर्स के लिए इशू में डिस्काउंट थे, इसकी वजह से यहाँ भी अच्छी बिडिंग देखने को मिली। कर्मचारियों का हिस्सा लगभग 4.5 गुना भरा था। 12 मई के अलॉटमेंट के डेटा के मुताबिक HNI यानी हाई नेटवर्थ वाले निवेशकों को प्रति शेयर 949 रुपए का भाव पड़ा है, जबकि रिटेल निवेशकों और कर्मचारियों के लिए ये 45 रुपए प्रति शेयर के डिस्काउंट के साथ 904 रुपए प्रति शेयर पर आया है। पॉलिसी होल्डर्स को 60 रुपए के डिस्काउंट की वजह से उनके लिए इसकी पॉलिसी होल्डर्स को 60 रुपए के डिस्काउंट की वजह से उनके लिए इसकी कीमत 899 रुपए प्रति शेयर पर आई है। लेकिन LIC की कहानी सिर्फ आंकड़े नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। जहां फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल लिटरेसी को लेकर हमेशा अभाव रहा है, ऐसे में LIC के यूलिप प्लान से लेकर जीवन बीमा तक कई परिवारों का सहारा बने हैं। और घर घर का हिस्सा बनने का ये किस्सा शुरू हुआ 1956 में, जब संसद में एक्ट के जरिए LIC की नींव रखी गई। 5 करोड़ रुपए के कैपिटल एलोकेशन से शुरू हुई ये कंपनी 6,00,000 करोड़ रुपए के ऊपर के वैल्यूएशन की कंपनी बन चुकी है। कंपनी के अब 2,048 ब्रांच ऑफिस हैं और मार्केट शेयर 60% के करीब। LIC को घर घर का हिस्सा बनाने में अहम भूमिका निभाई है एजेंट्स ने। जहां सभी के लिए फाइनेंशियल प्लानर की सहूलियत नहीं होती थी, ऐसे में भी इन्हीं एजेंट्स ने कई घरों के लिए उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग और बीमा के जरिए सिक्योरिटी में बड़ा किरदार निभाया है। LIC के साथ बतौर एजेंट्स कई गृहणियों, रिटायर्ड लोगों, स्टूडेंट्स को कमाई का मौका मिला है। भारत में इंश्योरेंस सेक्टर में मौजूद कुल एजेंट नेटवर्क में से 55% LIC का ही एजेंसी वर्कफोर्स है। ये देश की दूसरी सबसे बड़ी इंश्योरेंस के एजेंट्स के मुकाबले 7 गुना से ज्यादा है। हालांकि लिस्टिंग के लिहाज से बाजारों के लिए मौजूदा माहौल उत्साहजनक नहीं है। सप्लाई से लेकर जियोपॉलिटिकल चिंताएं जारी हैं। बढ़ती ब्याज दरों, चीन में COVID-19 लॉकडाउन और ग्लोबल बाजारों में बिक्री के दबाव के बीच लिस्टिंग कुछ डिस्काउंट पर होने की आशंका जरूर है, लेकिन इतने बड़े IPO में जो निवेशक अलॉटमेंट से चूक गए थे, वे शायद इस समय इसमें मौका देख सकते हैं। ईटी नाउ स्वदेश। सरकार नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर में विनिवेश को लेकर एक्शन में है। सरकार के विनिवेश प्लान पर एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ जुड़ गई हमारी साथी मेघना।
जी बिल्कुल, हम जानते हैं कि जो न्यू पीएससी पॉलिसी है गवर्नमेंट की, उसके अकॉर्डिंग 1 से 4 पीएससीज ही रह सकते हैं पब्लिक सेक्टर स्पेस में। तो जो अब हमारी सूची जानकारी दे रहे हैं कि जो नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स हैं जैसे कि फर्टिलाइजर, कॉमर्स और केमिकल हो गया सबसे पहले, इन पर ड्राफ्ट कैबिनेट नोट रेडी है। गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई कर लिया है कि कौन से जो पीएससीज हैं वो स्ट्रैटेजिक सेल के लिए जाएंगे और कौन से पीएससीज हैं जिनका क्लोजर होगा। तो इस पर जो ड्राफ्ट कैबिनेट नोट रेडी हुआ है वो इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन के लिए नेक्स्ट वीक जा सकता है और उस पर सीसी अप्रूवल जो है वो नेक्स्ट मंथ तक किया जा सकता है, ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं। तो जो एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन है उसको जो सूत्र बता रहे हैं कि उसका स्ट्रैटेजिक सेल बिल्कुल नहीं किया जाएगा, उसको पीएसयू के तौर पर ही रिटेन किया जाएगा क्योंकि वो एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पीएसयू है। इसके अलावा जो बाकी पीएसयूज हैं जैसे कि एमएमटीसी, स्ट्रेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, पीसी हो गया, उसका स्ट्रैटेजिक सेल के लिए सजेशन जा सकता है। और टेक्सटाइल सेक्टर में अगर हम देखें तो बहुत सारे छोटे छोटे पीएसयूज हैं, उनका गवर्नमेंट को थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ेगा, जैसे कि जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, उनका स्ट्रैटेजिक सेल के लिए सजेशन जा सकता है। और एचएचईसी हो गया, नेशनल जूट मैन्युफैक्चरर्स कॉरपोरेशन वगैरह हो गया, इनका क्लोजर के लिए जा सकता है। अगर हम केमिकल सेक्टर में देखें तो जो हिंद ऑर्गेनिक केमिकल्स है उसका स्ट्रैटेजिक सेल के लिए सजेशन जा सकता है और जो हिंद फ्लोरोकार्बन्स हैं उनका क्लोजर के लिए सजेशन जा सकता है। तो ये सूत्र हमारी जानकारी दे रहे हैं। इसके अलावा जो फर्टिलाइजर और फार्मा सेक्टर है उनके पीएसयूज के लिए भी डिस्कशन स्टार्ट हो चुका है और उनके पीएसयूज का जो डिसीजन है वो जून मंथ तक हो जाएगा। जी याद रखिए कि फर्टिलाइजर में आरसीएफ और एनएफएल दो बड़े मेजर फर्टिलाइजर पीएसयूज हैं जिन पर डिसीजन अभी लेना है गवर्नमेंट को। इसके अलावा जो एमओयूटी के जो पीएसयूज हैं जैसे कि एनबीसीसी और ग्लूकोस का, उसका भी डिस्कशन जल्द ही स्टार्ट हो सकता है, ये सूत्र हमारी जानकारी दे रहे हैं। तो बेसिकली जो सारे जो नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स हैं उनका गवर्नमेंट ने ये अब तय करना शुरू कर दिया है पीएससी पॉलिसी के अकॉर्डिंग कि किसका स्ट्रैटेजिक सेल होगा, किसका क्लोजर होगा। तो ये बड़ी खबर अभी आ रही है और जो 3 सेक्टर्स के जो कैबिनेट नोट्स रेडी हैं वो नेक्स्ट मंथ तक सीसी अप्रूवल के लिए जा सकते हैं।